जहां एक ओर हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से मंडियों में आने वाले किसानों के गेहूं की खरीद का ऐलान किया था, लेकिन मौसम विभाग की 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक बरसात की चेतावनी से डरे किसानों ने लक्कड़ के क्रेट और तिरपाल की कमी को भांपते हुए मंडी में गेहूं लाना मुनासिब नहीं समझा। और अब जब किसान कैन जीटी रोड पर बनी अनाज मंडी में अपनी फसल लेकर आए तो सुबह से पड़ रही बरसात ने उनके माथे पर पसीना ला दिया। बरसात के कारण मंडी के शेड के नीचे पड़े सरकारी बारदाने और खड़े किए ट्रक की वजह से किसानों को अपनी फसल खुले में ही रखनी पड़ी और बरसात के कारण किसानों की सारी गेहूं भीग गई। 110-115 क्विंटल के आसपास कम गई, लगभग कोई 10 बजे के आसपास ही। तो उस टाइम बूंदाबांदी बहुत कम थी, पहले तो सूरज चमकार मार रहा था जी, जब यहाँ आए तो बूंदाबांदी होने लगी, फिर तेज बारिश हो गई, शेडा के अंदर पड़ने की जगह थी नहीं, टलियम बारो खड़ी थी जी, बीक की 2 ट्रालियां जी, आरती भी चले गया करे शेड के अंदर, जब कोई जगह ही नहीं। अब परेशानी है जी, अब ये उठते नहीं, अपने घर लेके जाना पड़ेगा। कि हमने बल्कि आरती ने भी ये बोलिया कि इसका उठान हो जाएगा, इसकी बुराई होगी, बोले अगर नहीं जी हो नहीं पाएगी तो मौसम खुलने के बाद ही बुराई करी जाएगी, अब तो कोई इसका चारा नहीं, अपने घर ले जाइए। नुकसान तो जब आने जाने का डीजल भी खर्चा है जी, अपनी दिहाड़ी भी है, सारा नुकसान ही नुकसान है जी। कंपनी चलाई आप प्रधानमंत्री ने, जो हर छमही 500 रुपये कट रहा, तो मिला मनुआ तो कुछ भी नहीं, ना कोई फसल को देखने आता। 75% वो लिखेंगे और भी जिमीदार पैसे देगा, लिखवाओगे तो जब मिलेगा। 500 रुपये किला ले रहे, 6 महीने पीछा 32 किले हैं जी, जनानिया के नाम जमीन है, उनके पैसे पर जहाँ उनके नाम से भी कट रहे हैं, और एक बैंक में दो बैंक में जाऊँ उसी में काट लें, फायदा क्या जी, कुछ भी नहीं। किसानों का कहना है कि वैसे भी खरीद एजेंसियां गेहूं खरीद तब करती हैं जब उसमें नरमाई 12% हो, लेकिन अब बरसात में भीगने से उनके गेहूं में नमी की मात्रा बढ़ गई है, इसलिए अब वो अपनी फसल वापस घर ले जाकर और धूप निकलने पर सुखाकर ही वापस आएंगे। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार और खरीद एजेंसियां किसानों का पूरा गेहूं खरीदने के झूठे दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन थोड़ी सी नमी बढ़ने पर फिर से मना कर देती। मंडी में आज सुबह लगभग 7 बजे 6:30-7 बजे बारिश हुई है और अब भी चल रही है, और अनुमान ये है कि जैसे मौसम विभाग की जैसे हमारे को सूचना मिली है, प्रशासन की तरफ से भी और बोर्ड की तरफ से भी, लगभग 48 घंटे का अलर्ट है ये, और बारिश काफी हुई है यहाँ अम्बाड़ा छावनी की नई मंडी में, और पीछे 9 तारीख को ही बारिश हुई थी, तो 9 तारीख वाली जो बारिश हुई थी उसमें इक्का दुक्का जो लगभग 250 से 300 कट्टे हमारी मंडी के भीगने में आए थे, और हमने 17 आढ़तियों को हमने परसों नोटिस दे दिए थे, सो कॉल नोटिस। और जो आज की व्यवस्था है, आज हमारी मंडी की व्यवस्था लगभग ठीक है, हाँ इक्का दुक्का जगह कंप्लेंट आई है, जैसे किसी तरपाल ढका हुआ है, किसी के नीचे कैरेट नहीं था, दूसरा हवा इतनी तेज थी कि तरपाल ढका हुआ है, हवा के कारण तेज हवा के कारण वो तरपाल फट गई, या बाई चांस वो तरपाल ढकी हुई उसके ऊपर से उड़ गई, ये भी सूचना मिली है। लेकिन मौका रहते हुए सभी आढ़तियों ने, उनके लेबर ने और हमारे स्टाफ ने आज के दिन सरकार की और किसान की गेहूं को भीगने से बचा लिया है। आढ़तियों ने यह जवाब दिया है कि आगे से हम ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे, अपने माल को और किसान के माल को और सरकार की जो गेहूं है इसको बचा के रखेंगे। और तरपालें यहाँ लगभग सभी आढ़तियों के पास, लगभग क्या सभी आढ़तियों के पास पूरी है, और जिनके पास नहीं थी तो उन्होंने सब नकल खरीद ली है तरपालें। अभी उनका केस फाइल किया नहीं हमने, अगर दोबारा वो मिस्टेक करते हैं तो हम अगली कार्रवाई जो भी लाइसेंस के अनुसार बनेगी, लाइसेंस की सस्पेंड की या जो भी होगी वो करेंगे। लेकिन आज के जो हमने हालात देखे हैं उस नोटिस का हमारी मंडी के आढ़तियों के ऊपर पूरा असर है, और आज लगभग व्यवस्था ठीक है। नंबर दो, हमने आज डीएम एफेड को भी लेटर लिखा है कि जो ये शेडो में इनका बारदाना रखा हुआ है ये अपना उठाएं, दूसरा कोई शेडो में कोई स्टॉक नहीं लगेगा, जो भी बार की इनकी स्टैकिंग होगी क्यों लगेगी वो बार लगेगी,
और जितने भी ये ठेकेदार के ट्रक थे हमने कल भी पुलिस को बुला के आज भी बुला के सारे निकलवा दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ किसान की ट्रेली खड़ी होगी शेड में, उसके अलावा किसी का कोई माल नहीं लगने देंगे हम।